दोस्तों हम आपको बता दें, मायावती ने खुद को यूपी में अखिलेश यादव से बड़ा नेता घोषित करवा दिया है और अखिलेश की बीवी और उनके दो संबंधी सांसद से बाहर हो गए। अगर ठेठ भाषा में कहा जाए तो बहुत स्नायक बनता था अखिलेश यादव, अपने अनुभवी बाप की बात भी नहीं मानता था, बाप को डांटता था। मायावती ने गोबर पर बैठा दिया है, खुद सपा के वोट ले गई, बसपा के जाने नहीं दिए। दोस्तों उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा दो पार्टियां थी, इनमें से बड़ी पार्टी कौन सी ये कहना मुश्किल था। पहले मायावती 5 साल 200 से ज्यादा विधायक लेकर सीएम थी, फिर अखिलेश यादव 200 से ज्यादा विधायक लेकर सीएम थे 2014 और फिर 2017 के बाद बीजेपी ने दोनों को हरा दिया। दोनों को एक होने पर बीजेपी ने मजबूत कर दिया, पर मायावती ने अपने अनुभव और होशियारी का बखूबी इस्तेमाल किया और खुद को स्नायक बनने वाले अखिलेश यादव को गोबर पर बैठा दिया। दोस्तों वही आपको बता दें कि दोनों बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़े, पर नतीजा क्या हुआ? 0 सीट वाली बसपा 10 सीट पर आ गई, यानी 1000% का फायदा। वही 5 सीट वाली बसपा 5 पर ही रह गई, पर इसमें अखिलेश यादव का निजी नुकसान ये हुआ कि बीवी डिंपल यादव भी संसद से आउट हो गई और दो संबंधी अक्षय यादव और धर्मेंद्र यादव भी आउट हो गए हैं। मायावती ने अनुभव का इस्तेमाल किया, सपा के वोटों को जम कर लिया, जबकि बड़ी चालाकी से बसपा के वोटों को अखिलेश खेमे में जाने नहीं दिया। खुद 0 से 10 हो गई, अखिलेश यादव 5 के 5 पर रह गए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के आम इंसान के मन में एक भावना चली गई, वो ये कि बहन जी 10 सीटों पर हैं, वहीं अखिलेश यादव 5, यानी बहन जी दादा बड़ी नेता है। तभी उन्हें अखिलेश यादव से दुगना सीट मिली, अखिलेश यादव तो छोटा नेता है। दोस्तों अब कुछ साल बाद विधानसभा के चुनाव होंगे, तब तक मायावती अपनी इसी छवि को बनाकर रखेंगी। अगर सपा बसपा का गठबंधन होता है तो मायावती को झुकने वाली नहीं, वो सीएम की दावेदारी करेंगी और सीएम का ऐलान रिजल्ट से पहले नहीं भी होता तब भी जनता के मन में यही रहेगा कि बहन जी बड़ी नेता है। ऐसे में बसपा को सपा से हर कीमत पर ज्यादा सीटें मिलेंगी और अगर इन दोनों का गठबंधन टूट भी जाता है तो भी ये छवि रहेगी कि बसपा सपा से बड़ी पार्टी है, बहन जी अखिलेश यादव से बड़ी नेता हैं और ऐसे में बसपा को सपा से फिर से ज्यादा सीटें विधानसभा में मिलेंगी, यानी हर कीमत पर मायावती को ही फायदा। दोस्तों हम आपको बता दें, स्नायक बनने वाले अखिलेश यादव की कोई सीटें लोकसभा चुनाव में नहीं बढ़ी, बीवी भी संसद नहीं पहुंची और छोटे नेता की छवि भी बन गई। मायावती ने अखिलेश यादव को गोबर पर बैठा कर खुद को बड़ी नेता की छवि दिलवा दी है, यानी हर कीमत पर मायावती को ही फायदा। स्नायक बनने वाली अखिलेश यादव को कोई सीटें लोकसभा में नहीं बढ़ी, यानी हर कीमत पर मायावती को ही फायदा हुआ है। दोस्तों और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।